बनास का यहाँ का प्रसाद है गाली। अरे सही तो है वो, सही है। गाली नहीं देंगे उनका खाना नहीं बचेगा। ये बनारस में मेरा तीसरा दिन था और मैं निकल चला था सारनाथ, जो कि बुद्धिज्म के लिए सबसे खास जगहों में से एक है। मेरी लोकेशन से आधे घंटे का सफर था सारनाथ का, लेकिन अगर बात करने के लिए कोई लोकल हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इंडियन लोगों को काशी बनारस करने में उनको डिफिकल्ट नहीं पड़ता है, उनको उनके लिए ईजी पड़ता है, और फॉरनर लोगों को बताने में बनारस और काशी कहने में बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, तो इसलिए उन लोगों के लिए वाराणसी वेरी ईजी, बहुत ईजी पड़ता है। ऑटो वाले भैया की एक के बाद एक कहानियों में मज़ा आ गया। धर्म मज़हब कोई भी हो, लेकिन बनारस के लोग बहुत शानदार हैं। बातों के सिलसिलों के बीच आधे घंटे का ये सफ़र कब बीत गया बिल्कुल पता नहीं चला। सारनाथ पहुंचने के बाद यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही थे। चारों तरफ फूल, बहुत ही ज़्यादा शांति, इतना पीसफुल माहौल कि लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल होगा। यार सारनाथ पहुंच चुका हूं और सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहां देखी वो है ये बौद्धि वृक्ष। ये ओरिजिनल बौद्धि वृक्ष तो नहीं है क्योंकि वो गया जी में है, लेकिन इसकी दो शाखाएं थीं जो कि एक काट के लगाई गई श्रीलंका में और दूसरी शाखा काट करके लगाई गई यहां यानी के सारनाथ में। ये यहां का मेन टेम्पल है और इस टेम्पल को बहुत पहले बनवाया था सम्राट अशोक ने, लेकिन औरंगजेब के समय में इसको ख़राब कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो उसके बाद में 1931 में जो यहाँ के राजा थे जिन्होंने वो बौद्धि वृक्ष लगाया था, उन्होंने फिर इसको दोबारा से बनाया। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो मूर्ति लगी हुई है भगवान बुद्ध की, वो पूरी एक ही स्टोन की बनी हुई है। ये जहाँ आप लोग दर्शन करके आए हैं ये यहाँ का मेन टेम्पल है, इसका नाम है मूल गंध कुटी विहार। ये पाली लैंग्वेज है, मूल मीन्स होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गंध मीन्स स्मेल, कुटी मीन्स हाउस एंड विहार मीन्स मोनेस्ट्री। इसका छत जो ये पूरा पैगोडा मॉडल है और ये पूरा चुनार के रेड सैंड स्टोन से बनाया है। इसके अंदर जो बुद्ध जी का स्टैचू आप लोगों ने देखा वो आपका सिंगल स्टोन का बना है, कि पत्थर को मतलब त्रास करके बनाया गया, कहीं से ज्वाइंट नहीं है, 9.5 फीट की हाइट है, बाद में उसको पूरा गोल्ड पेंट से पॉलिश कर दिया गया है। ये मेडिटेशन रूम है ओनली फॉर बुद्धिस्ट, उन लोग ना पूजा पाठ करते हैं, टाइम टू टाइम खुलता है, मॉर्निंग और इन टाइम खुलता है। और इस मेडिटेशन रूम में जो है बुद्ध जी का एक टूथेक दांत रखा है, वो एक गोल्डन बाउल में रखा और पूरा शीशे से कवर किया हुआ है। उसको साल भर में स्पेशली केवल एक दिन निकालते हैं, वैशाखी पूर्णिमा के दिन, बाकी दिन ना उसको निकालते हैं ना ही कोई पर्सन उसको देखता है। ये सारनाथ जो है आपका पूरा विलेज एरिया में आता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन के दांत को यहाँ पे एक हाथी के ऊपर रखते हैं, फिर पूरी सारनाथ पे झांकी निकल जाती है, फिर हाथी को मंदिर के कैंपस के अंदर बैठा देते हैं, जिसको उनके दांत का दर्शन करना आता है वो अपना लाइन बाय लाइन दर्शन करते हुए चलाता है। और वैशाखी पूर्णिमा का महत्व तो बुद्धिज्म में इसलिए इतना मानते हैं क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसे सिंगल व्यक्ति थे कि जिनका जन्म वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिनको ज्ञान का भी प्राप्ति वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, और जिनका निर्वाण भी वैशाखी पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। जन्म मृत्यु ज्ञान की प्राप्ति को एक ही दिन हुई थी वैशाखी पूर्णिमा के दिन, जिसको हम लोग बौद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। इसलिए जो है बुद्ध जी पूरा का पूरा नेट 80 ईयर्स अपना जीवन काल व्यतीत किए थे, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। 563 BC को वैशाखी पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था और 483 BC वैशाखी पूर्णिमा के दिन अपना। इस स्टैचू के बारे में आपको यहीं पर बता देते हैं, ये जो स्टैचू आप लोग देख रहे हैं इसकी हाइट 80 फीट 9 इंच है और ये 280 पत्थरों के टुकड़ों को ज्वाइंट करके बनाया गया है। चुनार के लाल पत्थर से बना और चुनार के कारीगरों ने इसको बनाया है, बट ये अभी आपका रिसेंटली बना, ये 16 मार्च 2011 को बन के तैयार हुआ था और थाईलैंड के गवर्नमेंट का पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ था और थाईलैंड के एक्सपर्मिनेशन ने इसकी ओपनिंग की थी। अफगानिस्तान में बोमियन सिटी में बुद्ध जी का एक 200 फीट का स्टैचू था जिसको तालिबानों ने 2000 में डिस्ट्रॉय कर दिया, उनसे ब्लास्ट कर दिया था, उसी की सेम रेप्लिका उसी की याद में बनाया गया है। और इससे बड़ी इनकी स्टैचू बुद्ध जी की इंडिया में हैदराबाद में हुए हुसैन सागर में, 120 फीट की सिंगल स्टोन की बनी है, कि पहाड़ों को काट करके बनाया गया, वहाँ के सीएम स्टेमटी रामाराव ने उसको बनाया। और इनकी सबसे बड़ी स्टैचू पूरे वर्ल्ड में थाईलैंड में 230 फीट की है, बैंकॉक में लेटी हुई है, सॉलिड गोल्ड की है, पूरी सोन की बनी हुई है। ये थर्ड बेस्ट स्टैचू उनकी वर्ल्ड की है, सेकंड हैदराबाद में इंडिया और हाईएस्ट आपकी थाईलैंड। सारनाथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, एक उद्यान है यहाँ छोटा सा जिसका के नाम है आनंद गार्डन, और आनंद जो थे वो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, लेकिन देखिए कि कैसी क्लैरिकल मिस्टेक की है किसी ने कि आनंद की जगह आनंद लिख दिया है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये बहुत महत्व रखती हैं। जब बाहर से टूरिस्ट देखने आते हैं तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा काम इन चीज़ों पर करें। Thank you.
पीछे अशोक की लाट है, ये नेशनल सिंबल भी है हमारा। और ये जो अशोक की लाट है, यहाँ ओरिजिनल अशोक की लाट लगी हुई थी कि जो उसी समय में बनी थी, लेकिन अभी उसको उठा करके म्यूजियम में रख दिया गया है और यहाँ ये उसका रेप्लिका लगा दिया गया है। बनारस की सिल्क की साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं और मुझे मौका मिला ऐसे ही कारीगरों को देखने का। बाहर निकलने के बाद कई लोग कुछ इस अंदाज़ में मुझे मिले। यहाँ के हैंडलूम मार्केट बहुत अच्छे हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट उन लोगों के लिए जो आपके लिए बहुत खास हों। अब मैं चल पड़ा था स्तूपा की ओर। मुझे यहाँ बनारस में आज तीसरा दिन है और दो दिन तो मैं कहीं निकला ही नहीं, सिर्फ गंगा आरती मैंने देखी, फिर आज मैंने डिसाइड किया कि कहीं जाना चाहिए। पर यार गर्मी तो एक्सेस ही हो गई यहाँ पे आके। खैर मैं फिर भी निकल आया अपने हॉस्टल मेट्स के साथ जो मेरे रूममेट्स हैं। गाइस और ये दोनों भाई दिल्ली से हैं, आप दोनों उदयपुर और मुंबई। तो हमने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए निकल। ये वाली जो जगह है, यहाँ पहले भगवान बुद्ध का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर हुआ करता था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब तो ये सिर्फ उसके अवशेष बचे हुए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पुलिस कार अचानक से कहां से आ गई, तो थैंक्स टू समवन वेरी स्पेशल के जिन्होंने मेरे लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई। और आपके मन में दूसरा सवाल होगा कि मेरे कपड़े कैसे बदल गए, तो जनाब कपड़े नहीं, पूरा दिन ही बदल गया है। हालांकि मैं सारनाथ दो दिन पहले आ चुका था, लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि उस दिन म्यूजियम बंद था, फ्राइडेज को म्यूजियम बंद रहता है। अगर आप भी कभी आते हैं तो फ्राइडे को आपको म्यूजियम देखने को नहीं मिलेगा, और म्यूजियम ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ। मोबाइल वो लोग अलाउ नहीं करते, ना ही वीडियो फिल्मिंग अलाउ करते हैं, लेकिन फ़ोटो ज़रूर आप वहाँ खींच सकते हैं। सिर्फ म्यूज़ियम ही था जो मैं पहले दिन नहीं देख पाया था, तो वो ख्वाहिश मेरी आज पूरी हो गई। बनारस अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। ये बनारस में मेरा आखिरी दिन था और इसको मैंने जी भर के जिया। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। आपके प्यारे प्यारे और सुंदर कमेंट्स मुझे आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और हाँ, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करिए दोस्तों, वहीं से ही मेरे और आपके जैसे घुमक्कड़ इस वीडियो को एन्जॉय कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है।